गाइज वेलकम टू माय चैनल विल्स लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मैं कैसे एवरीडे सीआईसी करता हूँ, एवरीडे कैसे सीआईसी करता हूँ। उसका ऊपर कमेंट्स आ रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हीलचेयर से कैसे एवरीडे इजीली मैं सीआईसी करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं हैंड वॉश करता हूँ। जो बेसिन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं पहले हाथ को वॉश करता हूँ बेसिन पे अच्छी तरह से हैंड वॉश से। सीआईसी करने से पहले आपको अच्छी तरह से हैंड वॉश करना है, सबको पता है। तो यहाँ पे मैं हैंड वॉश करता हूँ। फिर हैंड वॉश करने के बाद बाथरूम के अंदर जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा एक टॉवल है, टॉवल से मैं हाथ को अच्छी तरह से ड्राई करता हूँ। जब भी आपको सीआईसी करना है तो पहले आपको हैंड वॉश करना है, फिर अच्छी तरह से सीआईसी करना है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कोमोट है, कोमोट की थोड़ा दूर रहने से पहले आपको आपका जो पैंट है उसको निकालना है। पहले थोड़ा सामने जाइए, फिर सामने जाने के बाद उसको पैंट को निकालना है। ये देखिए साइड में आपको हाथ डालना है, इसी कंडीशन में आपको हाथ में डालना है। अंदर डालने के बाद पैंट को धीरे धीरे करके पीछे लाना है, एक साइड करके पैंट को धीरे से नीचे लाना है। फिर दोनों पैर पैंट का खुलने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक पैर खुलो फिर यहाँ पे पैंट को रख दो। आराम से रखने के बाद पैर को व्हीलचेयर का दो साइड में आपको देना है, दो साइड में इसी तरह से। फिर धीरे धीरे करके व्हीलचेयर को पास लाना है कुमोट के पास, ताकि आपका जो यूरिन है वो दूसरा कोई कंटेंट में कलेक्ट ना करना पड़े, ठीक है। डायरेक्टली कुमोट में चला जाएगा आपका जो यूरिन है। फिर आपको अभी आपको यहाँ पे मेरा देखिए जेल है और जो पाइप वगैरह है, नलकेत पाइप जो है सब कुछ यहाँ पे है। मेरा टॉवल गला में रखता हूँ क्योंकि हाथ ड्राई करने के लिए टॉवल साथ में आपको अच्छा होता है। नलकेत लेता हूँ यहाँ से और उसको थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पे रखना है। फिर आप जेल लगाओ, ये देखिए पाइप के सामने थोड़ा भी जल थोड़ा जेल लगा देना है। फिर धीरे धीरे करके अंदर डालना है। ये देखिए डायरेक्टली कोमोट में चला जाएगा यूरिन, तो इसीलिए बहुत इजी होता है। ये देखिए यूरिन आ गया। बस फिनिश हो गया, आप धीरे धीरे उसको निकाल देना है। पाइप दोबारा उसी बैग में ढाल के मैं डस्टबिन में फेंक देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा पास शावर है, हैंड शावर, उसमें मैं हाथ वगैरह दोबारा धो लेता हूँ। या फिर पेनिस का सामने जो जेल लगा हुआ रहता है वो मैं दोबारा उसी से क्लीन करता हूँ। और जेल जो लगाया है उसका भी सामना है क्लीन करके रखना है। और फिर टॉवल से आपका जो पेनिस का एरिया है उसको ड्राई करना है, ड्राई करके पैंट को दोबारा लगा देना है। जैसे आपको खुला था उसी तरह से आपको लगाना है। फिर पैर को फुटरेस्ट में दोबारा रख दिया। और अभी ये जैसे मैंने उसको निकाला था ऐसे ही देखिए एक पैर लगा हुआ है यहाँ पे पैंट का, अभी दूसरा पैर डालना है ऐसा। ये देखिए कैसे मैं डालता हूँ दूसरा पैर को,
इसी तरह से दूसरा पैर डाल दिया। अभी उसको धीरे धीरे सामने, पहले जैसे किया था ऐसे सामने लाना है। बस हो गया। और आप जब व्हीलचेयर का सामने जाओगे ना, तो आपका जो कमर का बैलेंस है वो अच्छी तरह से मेंटेन करना है, नहीं तो आप सामने गिर जाओगे। तो उसमें आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है कि आप गिर ना जाओ करके, क्योंकि यहाँ पे है ना, अगर व्हीलचेयर का जो एज है, एज में जब आप आओगे पूरा पीछे सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, तब आपको अच्छी तरह से बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है ठीक तरह से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अच्छी तरह से बैलेंस होना चाहिए ताकि आपको पीछे सपोर्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो आपको धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा बैलेंस को। तो तब तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।